आपको पसंद है, आप खाओगे? नहीं, हाथ से नहीं, मैं खिलाता हूँ आपको। यम्मी, मुझे डर है, यम्मी है। तो हुआ कुछ यूँ, ये बात है तकरीबन आज से 10 साल। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। अभी अभी असल में जो एसी था हॉल का, वो ख़राब हो गया था। पहले उसका इनर था, ये पड़ा हुआ है, ये लीक हो गया था। उसके बाद एक हफ्ता चलने के बाद ख़राब हो गया, मतलब उसकी गैस ख़त्म हो गई, तो फिर गर्म हवा देना शुरू हो गया। मैंने एसी वाले को फिर से बुलाया कि भाई ये क्या मसला हो गया, एसी एक हफ़्ता चला है उसके बाद ख़राब हो गया। तो उसने चेक किया है, तो उसने कहा जो आपका ये इंडोर लगा हुआ है ये ख़राब है और ये लीक है, तो इसको चेंज करें। तो उसके बाद ये वाला इनर इसकी जगह पर लगाया, इसको चेंज किया, तो एक हफ़्ता चला, ये फिर से ख़राब हो गया। अब मैंने फिर एसी वाले को फ़ोन किया कि भाईजान क्या मसला है, आगे दोबारा चेक करें क्या मसला है, ये फिर से लीक तो नहीं हो गया। तो उसने आगे जब चेक किया तो ये तो था बिल्कुल ठीक, लेकिन जो इसका आउटडोर बाहर लगा हुआ था अब वो लीक था। अब मैंने उसको कहा कि भाईजान आपने मेरा चेक नहीं किया था कि ये एसी लीक था या नहीं लीक था? तो खैर अब उनकी अपनी कहानी होती है, अपनी स्टोरी होती है। तो फाइनली ऊपर से वो लीक था, तो उसको उसने वेल्डिंग टाइप जो उनका होता है सीन, उसने उसको वेल्ड किया और फिर अभी उसने बना के दे दी है। अभी एसी चल रहा है, तो देखते हैं अब ये दोबारा कितने अरसे से चलता है। मिठू, हाउ आर यू? तो गाइस अभी मैं शॉप पे था, 11 बजे मैं घर आया हूँ, तब से लेके अभी तक तकरीबन अब 1:15 हो रहा है। 2 घंटे लगाते हैं एसी भरने, अब काम उसका ख़त्म हो गया, शुक्र है एसी बन गया। अब ज़रा खाने का टाइम है, खाना खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात होती है। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। और 8 बज चुके हैं और लॉकडाउन शुरू हो चुका है, तो मैं अभी लेके आया हूँ पाकिस्तानी आम। ये हैं पाकिस्तानी आम, और खुशबू भी पाकिस्तान की आ रही है। यकीन करें आप, पाकिस्तान की खुशबू आ रही है। जब पाकिस्तान में मतलब आम लेने जाता है ना, तो इस तरह की खुशबू आती है उसको, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि पाकिस्तानी आम जो हैं वो आपको कभी कभी मिलते हैं, और कहीं कहीं मिलते हैं, हर जगह पर नहीं मिलते। लेकिन ओमानी लोग जो हैं वो पाकिस्तानी आमों के दीवाने हैं, समझ लें आप, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही आम आते हैं ना, उन्हें पता चलता है कि आम आए हुए हैं, 5-6-8-10 पेटियाँ उठा के घर ले जाते हैं। तो यहाँ से ही मिल जाते हैं, लेकिन हर किस्म का आम नहीं मिलता। अभी आप सिंधड़ी आम है, ये सिर्फ मिल्क शेक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए भी अच्छा है, मतलब खाने में भी बेहतरीन है। हम तकरीबन 2-4 महीने से ये खा रहे हैं। लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन जो है वो मज़ीद बढ़ चुका है, क्योंकि ओमान में जो केसेज हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा केसेज हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही डेथ्स हो रही हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन को, अब 15 से लेके 30 तक जो लॉकडाउन है वो शाम को 5 बजे तक शुरू हो जाएगा, यानी सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सब कुछ ऑन रहेगा, उसके बाद सब कुछ बंद हो जाएगा। और ईद के 3 दिन में सब कुछ बंद, टोटल बंद, कुछ भी ओपन, कुछ भी ऑन नहीं रहेगा। तो मैं ज़रा आपको अब आमों का नज़ारा करवाता हूँ। देखें आप, ये एक स्पेशल पेटी पड़ी हुई थी उसके पास, तो मैंने पहले देखा, मुझे पाकिस्तानी आम नज़र नहीं आए, कोई और आम पड़े हुए थे, तो उसके पास ये पूरी एक पेटी पड़ी हुई थी। तो उससे मैंने पूछा, यार पाकिस्तानी आम नहीं है? तो उसने मुझे बताया कि पाकिस्तानी आम है, लेकिन उसने कहा मैंने ये अपने बॉस के लिए रखे हुए थे, मतलब जो हाइपर मार्केट के ऑनर है उनके लिए कहते मैंने रखे हुए थे, लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ले जाएं। तो मैं उनसे भी ले आया हूँ। तो हुआ कुछ यूँ, ये बात है तकरीबन आज से 10 साल। वलीद आ गया, आ रहा हूँ। हेलो, मैचिंग मैचिंग की हुई है जी। क्या लेने आए हो? आलू। अब वलीद आया आलू लेने, ले लो। तो आज से तकरीबन 10-12 साल पहले की बात है कि मेरा ये दांत फूलना बड़ा मसला था, कि ये मतलब जो था बिल्कुल खाली हो चुका था दरमियान से। कोई भी चीज़ ठंडा गर्म आप खाते हैं तो वो ना यहाँ पे लगता है आपको, तो मतलब मैं कुछ भी खाना पीना होता मैं यहाँ से खाता पीता था, इस साइड से मतलब अवॉइड करता था कि मैं इस साइड से खाऊँ, हमेशा मैं यहाँ से खाता था। लेकिन महीने में ऐसा होता था कि 1-2 दफ़ा ये मसला ज़रूर होता था,
क्योंकि जब मैं या कुछ मीठा ज़्यादा मैंने खाना शुरू कर देना था क्योंकि मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, उसी की वजह से ये सारा मसला ख़राब हुआ था। मीठा खा खा के उसकी जो रियल रीज़न है ना वो ये है कि मैं जब गला ख़राब या ज़ुकाम होता था, तबीयत ख़राब होती थी, तो मैं क्या करता था, मैंने हैबिट की टॉफ़ी लेनी थी और वो यहाँ पर रख देनी थी और सो जाना था। यहाँ पर टॉफ़ी होती थी, मैं सो जाता था। ले जा रहे हो जी? तो यहाँ पे हैबिट की टॉफ़ी रखनी थी, क्योंकि जब आपका गला ख़राब हो आप सांस लेते हैं तो क्या होता है कि आपको नींद नहीं आती, क्योंकि जो आपका सांस होता है वो सीधा गले में जाके लगता है, और जब सांस गले में जाके लगेगा तो एक अजीब सी मतलब आपको फीलिंग आती है, आपको नींद नहीं आती। तो मुझे नींद नहीं आती थी, तो जब भी गला ख़राब काम होता था मैंने ये काम करना होता था, इसी वजह से ये मेरा काम ख़राब हुआ और ये दांत मेरा बिल्कुल खाली हो गया। तो एक बार मैं अपने दोस्त के साथ एक गाड़ी सर्विस करवाने के लिए, गाड़ी बनवाने के लिए गया, तो वहाँ पर एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा कि उस दिन मुझे दर्द था, तो उस मतलब उससे ऐसे बातों में उसने कहा कि मैं आपको ना एक वजीफ़ा बताता हूँ, आपको मतलब कुछ पढ़ के बताता हूँ, सुनाता हूँ या दम करता हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनसे कहा ठीक है कर दें, उन्होंने दम किया और यकीन करें वो उसके बाद मुझे 2-3 साल फील भी नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछ लिया कि यार आपने क्या पढ़ा मुझे बता दें, ऐसा मुझे याद नहीं उन्होंने क्या बताया था, शायद कुछ द्रुशिफ था और उसके बाद कोई सूरत थी, शायद रनशराह थी या कोई और सूरत थी, उसके बाद फिर द्रुशिफ था। मैंने उनसे वो पूछ लिया, उसके बाद मैं ये मैं खुद भी करता रहा, अगर मुझे फिर दर्द फील होता मैं वो करता तो भी ठीक हो जाता था, लेकिन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो मतलब वजीफ़ा क्या था। तो खैर उसके बाद कहानी चलती रही आगे, साल के बाद 2 साल बाद फिर कभी दर्द हो जाता, फिर कभी ठीक हो जाता। तो क्योंकि मैंने मीठा आपको पहले बताया कि मैंने मीठा बहुत खाना होता था, इस वजह से ये मसला जो था वो चलता रहता था। तो फाइनली यहाँ ओमान में आके फिर मुझे साल के बाद फिर ये इशू शुरू हो गया, महीना तकरीबन सही रहता था, फिर 2-4 दिन मसला होता, फिर महीना ठीक होता, फिर 2-4 दिन मसला होता। तो मैंने सोचा कि अब इसको निकलवा देना चाहिए, फिर तो मैं गया डॉक्टर के पास, उससे मैंने पूछा ये मैंने ऐसे ऐसे दांत निकलवाना है तो क्या कहते हैं आप, उसने चेक किया, उसने कहा कि ठीक है सर्जरी होगी, मतलब देखेंगे, कोशिश करूँगा मैं कि ये वैसे ही निकल आए, इसको ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े किसी चीज़ की। तो उनसे मैंने कहा ठीक है अब कोशिश यही करें कि इसको ऐसे ही निकाल दें, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं करना, सर्जरी जो भी है वो इस तरह से मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना, बेहतर है अब इसको ऐसे निकालें। उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि दोनों दांत निकालने थे, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी, मतलब सबसे पहले क्या करते हैं आपको इंजेक्शन लगाते हैं सुन करने के लिए, एक नीचे ऊपर इधर उधर लगाया, इंजेक्शन लगाया, तो मुझे उस इंजेक्शन का थोड़ा सा मतलब फील होता है आपको, ज़्यादा उसका दर्द नहीं होता फील आपको, उसके बाद वो थोड़ी देर बाद ना सुन होना शुरू हो जाता है, और बिल्कुल 10-15 मिनट के बाद सब कुछ सुन हो जाता है, आपकी ये साइड पूरी जो है वो सुन हो जाती है। फिर क्या किया, सबसे पहले ऊपर वाला दांत निकाला, अब जब ऊपर वाला दांत निकाला ना तो आपको ऐसे लगते कि यार दर्द आपको नहीं हो रहा होता, लेकिन ऊपर से ऐसे लग रहा होता है जैसे यहाँ से कोई चीज़ ऐसी निकल रही है आपकी। ऊपर वाला तो बड़ी ईजिली निकल गया, अब थी बारी नीचे वाले की, अब नीचे वाले को उसने जोर लगाया, अब मुझे ये समझ नहीं उसको खींचते कैसे हैं, मतलब क्या चीज़ होती है जिससे उसको खींचते हैं, पता नहीं अजीब से चीज़ नज़र नहीं है क्या चीज़ थी, लेकिन उसने जब इसको खींचा तो यहाँ से लगा मुझे कि यहाँ से कोई चीज़ ऐसे ऊपर निकल रही है, बस उसने फिर इसको भी मतलब निकाल दिया तो उसका दर्द फील नहीं हुआ। ये होता था कि आपको थोड़ी उलझन होती है, मतलब मुंह आपको खोलना पड़ता है, और वो दोनों दांत निकल गए। फिर उसने मुझे कहा कि आप ये कॉटन यहाँ पे रख लें, आधा घंटा इसको यहाँ पे रखें ताकि ब्लड शेड आता है तो वो उसमें आ जाएगा, और मेडिसिन लिख के नहीं कि ये मेडिसिन यूज़ करें। मेडिसिन मैं 2 दिन यूज़ करता रहा, 3 दिन यूज़ करता रहा। उन्होंने मुझे कहा कि जाके आप आइसक्रीम खाएँ, मतलब ठंडी चीज़ें कुछ खाएँ। तो मैं घर आया, मैंने आइसक्रीम खाई, हर घंटे 2-4 घंटे बाद मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता वो जो सुन जगह थी ना वो ख़त्म होती रही, अब हल्का हल्का सा मुझे दर्द होना शुरू हो गया, क्योंकि सबसे पहले जो दर्द था वो जो मेरी जहाँ पे उन्होंने इंजेक्शन लगाया था, डॉक्टर ने जिसी जगह पे इंजेक्शन लगाया था मुझे वो फील हो रहा था, वहाँ पे मुझे हल्का हल्का सा दर्द फील हो रहा था, पर क्योंकि वहाँ पर जो दांत निकला था वहाँ पर स्वेलिंग भी हो गई थी। तो मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने बर्फ़ उठाई यहाँ पर रख ली, जब ठंडा लगता था काफ़ी देर आपको सुकून मिल जाता है, 1-2 घंटे सुकून मिल जाता है, फिर आप आइसक्रीम खा लें, फिर ठंडा खा लें। तो गर्म चीज़ उसमें अवॉइड करना, गर्म चीज़ कोई नहीं खानी, और 2-4 दिन 5 दिन इस साइड से खाना है, मतलब दूसरी साइड से खाना है जहाँ से दांत निकला वहाँ से नहीं खाना,
तो 3 से 4 दिन मतलब ये मुझे दर्द रहा, तो उसके बाद अब तकरीबन महीना हो गया, मैंने 1 महीना पहले ये दांत निकलवाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। अब मुझे फील भी नहीं होता, मतलब अब 2-3 दिन फील होता कि यार कुछ खलास है, कुछ खाली जगह है, तो अब मतलब बिल्कुल सुकून है, कोई इशू नहीं है। आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना था कि अगर आपको भी इशू है, मसला है दांत का, डर लगता है, तो मत डरें, कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा आपको दर्द होगा, फील होगा, लेकिन ये हमेशा के लिए जान छूट जाएगी आपकी। हाँ मंजू, बस 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 रुक जाओ यहाँ पे। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? अजो क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? एक किस्मत से सब्र नहीं होता। व्हाट इज दिस? रबड़ी टफी क्या कर रहे हो? आपके लिए क्रेप बनाना। क्रेप? तो गाइस अभी अभी रात के टाइम, क्या टाइम है, 11, और भूख लग रही थी तो हमने शेफ वलीद को बुलाया। वलीद क्या बना रहे हो आप? क्रेप। क्रेप? क्रेप बना रहे हो? क्रेप बनाना। क्रेप किस किस के लिए बना रहे हो? आपके लिए। मैंने कहा था घर से बना के ले आओ, अब यहाँ पे आके बनाने आ गए हो। अम्मी ने कहा घर में मुझे बर्तन नहीं देखने, मैं इधर आ जाता हूँ। अच्छा, दूसरा घर भी तो है हमारा। चलो, क्योंकि वलीद जो है बहुत अच्छे क्रैप बनाता है, इसको बना बना के इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि अब मिनट लगाता है बना लेता है और बड़े ही ज़बरदस्त बनाता है। तो ये सबसे पहले हमने मक्खन लगा दिया इसके ऊपर, ताकि ये क्रैप जो इसके ऊपर चिपके ना। उसके बाद चूल्हे के आंच के बाद ये हमने इसके ऊपर डाल दिया, तो ये क्रैप के बटन इसके ऊपर डाल दिया। तो गाइस क्रैप हमारी बनने की तैयारियों में है, तो बोली हमें आप इसकी रेसिपी बताएंगे अगर किसी ने ट्राई करना हो। रेसिपी देखिए, सबसे पहले आधा कप मैदा लेना है, ठीक है? आधा कप मैदे को ना छान लेना है अच्छी तरीके से, मतलब बड़ा वाला छानने वाला होता है, उसके बाद छान लेना है। छानने के बाद मैदे के अंदर 2 टेबल स्पून चीनी डालनी है। छानने से पहले नहीं डालनी, क्योंकि चीनी के वो जो ग्रेन्स होते हैं ना, वो बहुत मोटे होते हैं, तो नहीं छाना जाता ना। तो इसको मिक्स कर लेना है, या आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसको साइड पर रख दें, ठीक है? उसके बाद 310 ml दूध लेना है आपने, 310 ml दूध, उसके अंदर 2 अंडे डालने हैं और उनको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने ये विस्क ले लेना है एक, ठीक है? और थोड़ा थोड़ा कर करना दूध डालना है या मैदे के अंदर, और उसको बस मिक्स करते रहना है ताकि वो ये लम्स वगैरह ना बढ़े। फिर बस इसको मिक्स करते रहना, करते रहना, करते रहना, बस फिर ये ऐसे पतला सा हो जाएगा, ये पतला सा ऐसे बन जाएगा ताकि ये नीचे से चिपके ना और ये इसी तरीके से बन जाए। तो बड़ा ही खूबसूरत किस्म का बना हुआ है, इतना खूबसूरत नहीं बना क्योंकि आप लोग का ये क्या कहते हैं चूल्हा, हाँ चूल्हा कुछ ज़्यादा ही वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है मतलब बहुत। तो अब आँच कम कर लो ना। आँच ऐसे मैंने आज कम भी की थी, मुझे पता नहीं कैसे सपोर्ट करो, ऐसे नहीं करवाएंगे आप, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। नहीं होगा, वो चीज चिपक जाता है ना, इसलिए नहीं होगा। इसको थोड़ा पकने देना, पकने दें थोड़ा वो ब्राउन मक्खन की वजह से चिपक जाता है, इसलिए नहीं हो पाएगा। पराठा लग रहा है पूरे कैमरे में, पराठा लग रहा है, अच्छा पराठे यहाँ से पराठे लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मालाबार पराठा होता है ना। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चॉकलेट, नुटेला और साइडों से ये क्रिस्पी क्रिस्पी हो गए। तो बस ये है हमारा मिड डे स्नैक और ये रेडी हो चुका है, अब हम इसको नोश फरमाएंगे और इंजॉय करेंगे। और आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी है या अगर आपको समझ नहीं आई या फिर से पूछना चाहते हैं तो कमेंट में आप जाके पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। और इसको खाते हैं और ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वलीद आपका। और ओके गाइस, सी यू, टाटा, हाफिज़, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।